कि इस ट्रेनिंग कैंप में आए हुए सभी सहकारियों, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है कि हम पूरे दिन का ट्रेनिंग कैंप हमारे अच्छे ट्रेनर के साथ साथ वो नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के हिम्मत नाहर सिंह जी आपको ट्रेनिंग कैंप देने जा रहे हैं। और हम इस क्रम में सबसे पहले अपने महापुरुषों को आदरांजलि व्यक्त करते हैं। इसमें सर्वप्रथम महामानव तथागत बुद्ध और उनकी विचारधारा को जमीन पर उतारने वाले महान राजा अशोक, मध्ययुगीन भारत में संत महापुरुष गुरुओं का की परंपरा के बाद आधुनिक युग में नारायण गुरु जी केरल के, तमिलनाडु के रामास्वामी नायकर, महाराष्ट्र से महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम वंदन। मैं कुछ बात कहने चाहूंगा कि कुछ लोगों को मेरा परिचय होगा तो मैं भी आप लोगों के क्रम में पहले परिचय दे दूं। पी आर अम्बेडकर, जन्म झांसी उत्तर प्रदेश। चंडीगढ़, 6.5 साल तक पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर का लगभग 6 साल का संपर्क रहा। मैं ऑडिट अथॉरिटी के लिहाज से अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा। इसके बाद 2 साल में AG MP ग्वालियर रहा और अभी लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए मेरे को, 40.5 साल से महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र के लगभग 36 के 36 जिले मेरे घूमे हुए हैं। इसके साथ साथ लगभग 15 स्टेट का मेरा विजिट रहा है। लोगों को अलग अलग काम से, खास तौर से पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में ट्रेनिंग देने के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट के लिहाज से मेरा विजिट हुआ। और साहब के संपर्क में जब मैं चंडीगढ़ में था, 1977 अगस्त से संपर्क हुआ, यानी बर्थ ऑफ बामसेब से पहले मेरा संपर्क हुआ। मैं भटकंती का शिकार था। साहब ने मुझे एक नया विजन, नई दृष्टि दी और मैं तमाम पुराने आग्रहों को छोड़कर इस मूवमेंट में शामिल हुआ। 98 में, 25 जुलाई 98 में मुझे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया। महाराष्ट्र के सभी साथियों की सहमति से मेरा नाम सजेस्ट हुआ और साहब ने भी मुझ में विश्वास किया, क्योंकि पहले बामसेब का प्रयोग फेल हो चुका था। ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि साहब ने जो बर्थ ऑफ बामसेब को जन्म दिया था 6 दिसंबर 1978 को, ये बीच में 85-86 में ऐसे टूटी। टूटने के बाद ये टूटी तो इसके अंदर टूटन होती रही। 10-15 बामसेब बनी, रजिस्टर हुई, लोग जिंदा रहे, कुछ मर गए, लेकिन ये बामसेब का रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टुकड़ों में बटना और रजिस्ट्रेशन होता रहना बरोबर बरकरार बना रहा। आज भी कई बामसेब रजिस्टर हैं और अनरजिस्टर भी, लेकिन साहब ने 1995 में ही दिसंबर 19 डेट भी हमको अच्छी तरह से मालूम, 13 दिसंबर 1995 में महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश के नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल विंग की मीटिंग के अंदर जाहिर किया कि अब मैंने ये काम से बंद कर दी है, अब आपको ऐसे ही काम करना होगा। तो हम लोग महाराष्ट्र में परेशान थे कि काम कैसे करें, नाम नहीं है, या लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम पॉलिटिकली अपने आप को आइडेंटिफाई कर नहीं सकते क्योंकि हम भी कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे को होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटी मिलना चाहिए
साहब के पास 90 मई 1998 को साहब के पास पूरे महाराष्ट्र के लोग सब सब वरिष्ठ आदि थे, लगभग 150 लोग पूरे महाराष्ट्र से इकट्ठे होके मेरे नाम का प्रपोजल साहब के सामने किया। साहब ने काफी अभ्यास चिंतन मनन करने के बाद लगभग 3.5 घंटे की मीटिंग उनकी चली, उन्होंने उसमें मेरे नाम को डिसीजन दिया। जुलाई 1998 से अक्टूबर 2003 तक हम साहब की देखरेख में काम करते रहे और पे बैक टू सोसाइटी 9 राज्यों में फैली। पे बैक टू सोसाइटी 9 राज्यों में फैली और 9 राज्यों का विस्तार आप सोच सकते हो कि इसका हमने 14 जून 2003 और इसका सितंबर में साहब बीमार पड़ जाते हैं उसके 3 महीने पहले 14 जून 2003 को बेंगलोर में, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, वहां हमारा 9 राज्यों का साउथ जोन कन्वेंशन शुरू हुआ। साहब उसमें आए और हम जो नॉड आइडेंटिटी के तरीके से काम कर रहे थे, साहब ने पहली बार विश्वास व्यक्त किया कि मेरा इन कर्मचारियों से विश्वास उड़ गया था, मुझे विश्वास नहीं, मेरे को धोखा देने वाले लोग मुमेंट को संभालने का काम कैसे कर सकते हैं। और बाद में साहब ने जब लोगों को देखा कि जो कर्नाटक के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉल 999 उसके अंदर सीट थी, सीटों के बीच में जो पैदल चलने का जो था वो स्पेस भी था, लगभग 1000 लोग 100 रुपये देकर बैठे हुए थे और जो पायरियां थी मतलब स्टेप्स थे उस पर भी खचा खच लोग 200-250 लोग उस पर भी बैठे हुए थे और पिन ड्रॉप साइलेंस में। पॉलिटिशियन होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फुसफुस होती है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल विंग के आधार पर एक काम करने वाले लोग साइलेंटली डिसिप्लिन होकर साहब को सुनने के लिए बैठे। हमने वहां पर साहब का जो पैसा बचा 89,000 रुपीज हमने कंट्रीब्यूट किया, हम डोनेट बॉडी नहीं कहते कंट्रीब्यूट किया क्योंकि डोनेशन करने के बाद जवाबदारी छूट जाती है, कंट्रीब्यूशन करने के बाद कंट्रीब्यूशन का वाच रहता है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं हम परफॉर्मेंस में है या दूसरे से परफॉर्मेंस करा पा रहे हैं। इस लिहाज से साहब ने वहां हमको 1 घंटे से ज्यादा लगभग 1 घंटे 40 मिनट साहब ने हमें गाइड किया और पहली बार हमने उनके चेहरे पर प्रसन्नता चमक देखी और उन्होंने बोला भी, यार अंबेडकर तूने मेरी सोच को बदल दिया, कर्मचारियों से मेरा विश्वास उड़ गया था, ये लोग बाबा साहब को धोखा दिए मुझे धोखा दिए तो कौन सी बड़ी बात है। और इस बात को ध्यान में रख के साहब ने इसे नेशनल लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया हुआ था जो गुप्त का गुप्त रह गया और इसमें 3 महीने के अंदर साहब बीमार पड़ गए। लेकिन वो जाते जाते बहुजन संगठक के 3 अगस्त के अंक में जो बेंगलोर की रिपोर्टिंग थी पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की, जिसे शॉर्ट में PBSP कहते हैं, इसको 2 पेज की कवर स्टोरी में बहुजन संगठक में प्रकाशित कर गए। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल काम जाते जाते साहब कर गए, नहीं तो PBSP भी नॉन आइडेंटिटी बन जाती कि कहां साहब ने रिकॉग्नाइज किया। साहब की स्पीच डाइस पर खड़े होते हुए आप उसमें देखेंगे कि पीछे पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ है और साहब डाइस के ऊपर स्पीच दे रहे हैं और 2 पेज की फुल कवर स्टोरी के साथ, पहले पेज से शुरू होते हैं और दूसरा तीसरे पेज पर और भी आती है, पहले और तीसरे पेज पर इसकी स्टोरी छपी हुई। आप लोगों को अगर किसी को बहुजन संगठक मिले तो 3 अगस्त का सितंबर का लास्ट अगस्त का मतलब 3 अगस्त का यानी 1 वीक का होता है तो सितंबर अगस्त सितंबर दोनों का मिलकर जुलाई अगस्त दोनों का मिलकर निकलता है 1 वीक
ये तो, लेकिन अनहोनी हुई, बेंजी ने इसे डिसॉल्व कर दिया सडनली 1 अक्टूबर 2003 को। हमने साहब के आदेश के लिहाज से डिसीजन को मान लिया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लीडरशिप ट्रांसफर होती है और लीडरशिप को फ्री हैंड देना चाहिए मूवमेंट करने के लिए, और उस पर किसी तरह से किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, तभी हम मूवमेंट के प्रति निष्ठा रखने वाले बन सकेंगे, नहीं तो हम कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ से जुड़ने वाले बन जाते। इसलिए हमने फुल डिवोशन टू द मिशन, हमने साहब की बात को स्वीकार करके फुल लीडरशिप पर, हमने ट्रांसफर लीडरशिप पर विश्वास किया और साइलेंटली रहे, और उसी साइलेंट में हम जो भी काम कर सकते थे किया। लेकिन जब एक के बाद एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट कमजोर होता हुआ नजर आया, खास तौर से 2012 में, 2014 में, 2019 में, नॉन पॉलिटिकल जड़ें बिल्कुल कमजोर होती गई, कि ना कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पैदा हुआ आम समाज में, क्या अंबेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है? क्योंकि मैं प्रश्न क्या कर रहा हूं, क्या अंबेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है? इस पर लोगों का सोचना बड़े पैमाने पर, जो बहुजन समाज बनाओ मूवमेंट में जुड़ रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, वो छिटकना शुरू हो गया। जाति की जातियां इस फोल्ड से बाहर चली जाती हुई नजर आई। अविश्वास का वातावरण कई गुना बढ़ गया। हम क्षमताओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की क्षमताएं एक साथ कहीं नजर नहीं आती हैं, लेकिन इम्पैक्ट रिजल्ट बोलता है, और उसमें यह है कि ये विचारधारा कमजोर होती नजर आई। उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी। मैं किसी एक व्यक्ति या एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम पर तमाम संस्थाएं काम कर रही, तमाम आंदोलन चल रहे, और लेकिन किसी में यह कहने का साहस नहीं है कि ये विचारधारा कामयाब होने वाली विचार। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमने अपने आप से किया, या आप प्रश्न नोट कर सकते हो, कैन बी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज, रिजुविनेट अंबेडकरिज्म। क्या हम अंबेडकर को, अंबेडकरवाद का प्रतिरक्षण, इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं, या पौष्टिकरण या प्रतिरक्षण, नावीनीकरण, रिनोवेशन, नावीन्यपूर्ण, क्योंकि लगभग 73 से 78 तक के प्रयोग के बाद 6 दिसंबर 1978 को बर्थ ऑफ बॉम्ब से शुरू हुआ था, लगभग 40 साल से ज्यादा हो जाते, 20 साल ये और 22 साल वो, 42 साल से ज्यादा हो जाते हैं, एक पीढ़ी से ज्यादा दूसरी पीढ़ी आ जाती है, और पीढ़ी आ जाने के साथ साथ ग्लोबल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, सोशल मूवमेंट्स का प्रभाव, अलग अलग मनुवादियों के भी सोशल मूवमेंट रहते हैं, बहुत बड़ा तब्दील पूरे देश के अंदर, कास्ट का कॉन्सेप्ट में भी बहुत कुछ तब्दीली आई, कास्ट की स्थिति के अंदर भी, कैपिटल ऑफ कास्ट कॉन्सेप्ट एज ए कैपिटल, कास्ट एज ए कैपिटल के रूप में यूज होने लगी बड़े पैमाने पर मनुवादियों द्वारा, खासतौर से व्यापारी वर्ग। अभी कोई एक मारवाड़ी की सबकास्ट होगी या सिंधी की सबकास्ट होगी, वो अपने आप को बहुत पोटेंशियल फोर्स के रूप में, एक कास्ट किस तरह से एक फोनोमेना बनती है, एक मजबूत आईटी बनती है,
आप ब्राह्मण बनिया वर्ग की किसी एक कास्ट को आप देखेंगे तो उनके अंदर उस पोटेंशियल को देखेंगे, और वो कास्ट को एज ए कैपिटल बोलते हैं। हम सोशल यूनिट नहीं बोलते कास्ट, दे आर बेनिफिटिंग जस्ट लाइक कैपिटल। ये बहुत सारे तब्दील पूरे देश में हो रहे थे, और डाउनफॉल कि क्या अंबेडकर बाद कामयाब होने वाली विचारधारा है, ये प्रश्न पूरे देश के अंबेडकर वादियों के सामने खड़ा हुआ था। खासतौर से उन लोगों के सामने ज्यादा मुंह बाए खड़ा था जो साहब के साथ निष्ठावंत होकर काम कर रहे थे, मिशन के साथ निष्ठावंत होकर काम कर रहे थे, क्योंकि व्यक्ति के साथ निष्ठावंत होने की जगह मिशन के साथ निष्ठावंत होकर काम कर रहे थे। सब में एक निराशा घर करती जा रही थी, कुछ लोग धड़पड़ करना चाहते थे लेकिन तड़प रहे थे, करें क्या, रास्ता नहीं सुन रहे थे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं भी उनमें से एक था, पर मुझे साहब ने काफी नजदीकी होके बहुत सारी गाइडेंस दी हो, इसलिए डेफिनेटली है कि इंफॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा थी और उनका प्रभाव भी मेरे पर ज्यादा पड़ा हुआ था। भावनात्मक नहीं, रेशनल, तार्किक दृष्टिकोण से, सेंसिटिविटी इमोशन नहीं, रियल सेंसिटिविटी इम्पल्स डेवलप हुआ था। 2006 में साहब के पास जाने के बाद हम लोग बिल्कुल असहायपन महसूस कर रहे, क्या, लेकिन साहब का एक सेंटेंस हमारे सामने आया कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कांट सक्सेड विदाउट सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प, स्वावलंबन सबसे बड़ा आलंबन है, अपनी मदद आप करना सबसे बड़ी मदद होती है, और समता और स्वाभिमान का आंदोलन बिना स्वावलंबन के कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में आ नहीं सकते थे, महानायक कंसीराम जी हमारे बीच में आ नहीं सकते थे, हमें अपनी और अपने समाज की बिगड़ी बनाने के लिए खुद ही आगे आना होगा। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया, महाराष्ट्र के साथियों ने आग्रह किया और उत्तर प्रदेश के साथियों में, इसमें नाहर सिंह जी हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपने बीच में लाए जो मेरे विचार से मिलता जुलता था कि अगर पॉलिटिकल लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो पूरे देश में अम्बेडकराइट नॉन पॉलिटिकल से इकट्ठे हो सकते हैं क्या। ये प्रयोग पूरे इंडिया में हो रहा था, मैं दिल्ली गया, लखनऊ गया, कर्नाटक गया, बॉम्बे गया, नागपुर गया, तमाम जगह क्या नॉन पॉलिटिकल बींग ऑफ अम्बेडकराइट मूवमेंट इकट्ठी हो सकती हैं क्या। जब हमने ये कई प्रयोगों देखा तो लोग अपना अहम लेके बैठे हैं, और अहम दूसरा है, कुछ इनहेरेंट इंटरेस्ट भी उनके साथ जुड़ता है, जिसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाने के वजह से ये संगठन इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, जो नॉन पॉलिटिकल फोर्स थी वो यूनाइट नहीं हो पा रही थी। पर दूसरा एक और भी हमने देखा कि विचारधारा की स्पष्टता भी जो उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाए वो पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रही थी। जितने भी नॉन पॉलिटिकल बिंग संकट करे, हिम्मत नहीं है कि हम होंगे कामयाब, ये कहने की हिम्मत नहीं। ये सारे के सारे फैक्टर्स को मनुभात, जैसे ही साहब बीमार पड़े, उसने अपना चक्रव्यूह और अपना चाणक्य नीति शुरू की, और उसने देखा कि ये सबसे बड़ा रिवाइवल का मौका है, इसलिए मनुभात ने अपने आप को पूरी तरह से फुल फ्लज स्थिति में रिवाइव करने का स्वप्न लिया, और वो हुए। साहब के समय तक उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, साहब के जाने के बाद उनके हौसले बढ़ गए, क्योंकि वो अब नहीं देख पाए कि कोई हमारा अल्टरनेट बन सकता है। हम मनुवाद की ए टीम या बी टीम ही
कमांड पर रहेंगे और हमारे खिलाफ कोई और दूसरी ताकत पैदा नहीं हो सकती। ये मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से, ये लोग बहुत दिलचस्पी के साथ हमारे साथ कई महीनों से जुड़े होने के साथ साथ इनके माइंड में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनको क्लियर करना मैं अपनी जवाबदारी समझता हूं। और इस माहौल में हमने पहली बार एक निर्णय लिया और निर्णय क्या ऑब्जर्वेशन किया, आकलन किया कि 20वीं शताब्दी में वापर किए गए अस्त्र शस्त्र टूल्स टेक्निक 21वीं शताब्दी के लिए मौतरे हो गए। मौतरे तो हिंदी बेल्ट के लोग समझते हैं, जिनकी धार इनफेक्टिव हो जाती है, तेज नहीं रहती, उन्हें हम मौतरे कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लंट कहते हैं, धार ब्लंट हो गई, मौतरे हो गई, तो उससे काम तो चलेगा, सब्जी काटने को कटेगी पर लेकिन देर से कटेगी। टूल्स यूटिलिटी तो है, उन टूल्स की उपयोगिता तो है, उपयोगिता नहीं मरी है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस कमजोर हो गई, इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गई है। इसलिए या तो हमें उनकी धार पैना करना पड़ेगी या फिर नए टूल्स टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक ये निर्णय कि 20वीं शताब्दी में बताए हुए टूल्स टेक्निक 21वीं शताब्दी के लिए मौतरे हो गए हैं, इसलिए हमें इस पर सोचना। दूसरा, हम कहीं तो भी कम पड़े हैं, हम कहीं तो भी कम पड़े हैं, ये प्रश्न भी हम सभी के सामने था जितने भी नॉन पॉलिटिकल विंग में काम कर रहे थे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे ले जाने के बाद कहां कम पड़े हैं, ये प्रश्न पड़े, क्यों कम पड़े हैं, ये भी प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कहां कम पड़े हैं, हम महापुरुषों को समझने में ही कम पड़े हैं। कुआलालंपुर की स्पीच में महानायक कांशीराम जी ने हिंट दिया था, ये कास्ट को समझोगे नहीं तो ये शैतान की तरह से आपका सामने मुंह बाय खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ये महसूस किया कि हम कास्ट को ही समझने में कम पड़े हैं। जब कास्ट को समझने में कम पड़ेंगे तो हैंडलिंग करने में कम तो पड़ेंगे, हम कास्ट को हैंडलिंग करने में क्यों असफल हुए, क्योंकि कास्ट को समझने में कम पड़े। दूसरा, समझने में कम कौन पड़ता है, ये दूसरा और प्रश्न, कम पढ़े बात अलग, तो जो विचार करने में कम पड़ता है वो समझने में, रास्ता ढूंढने में कम पड़ता है, समझने में कम पड़ता है, विचार करने में कम पड़ेंगे तो हम रास्ता ढूंढने में कम पड़ेंगे। टूल्स की प्रॉब्लम, अभ्यास की प्रॉब्लम और विचार करने की क्षमताओं का विकास ना होने की प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़े पैमाने पर पड़ी थी। इसलिए हमने जहां से साहब चले थे हम वहां से रिव्यू करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले कास्ट को 21वीं शताब्दी में किस तरह से समझा जाना चाहिए, एक वर्ड है, आप वर्ड नोट कर लीजिए, मैं वर्ड आपके सामने, पैथोजेंस, पैथोलॉजी से बना है, पैथोजेंस, PATHOGENS, पैथोजेंस, ये वायरस का जन्म देने वाला है, मोटे तौर पे कहा जाए जनक, रोग जनक। कास्ट कहां से शुरू हुई, आज इसको नाहर सिंह जी आपको किस प्रकार से वो पूरा, तो हम 5 दिन, 1 दिन पूरा कास्ट को समझाने में लगे हैं, लेकिन आपको 1 घंटे का लेक्चर कास्ट के ऊपर मिलेगा कि कास्ट पैथोजन मीन्स एनक्लोज्डनेस, पैथोजन यानी ए कास्ट का वायरस पनपा कैसे, एक कास्ट के रूप में डेवलप कैसे हुआ, ये है एनक्लोज्डनेस। इस एनक्लोज्डनेस ने हमारे अंदर ही नहीं पूरे समाज के अंदर एनक्लोज 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 जो भी हुआ वो अपने आप को एनक्लोज करता गया, तो छोटे छोटे ग्रुप में एनक्लोज कराते कर गए, जातियां बनती गई और पर्सनैलिटी भी, हमारे व्यक्तित्व भी एनक्लोज हुए
इसलिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए भी कम पड़े, भाईचारा बनाने में भी। मैं आवाज आ रही कि नहीं आ रही नारसिंह जी? आपकी आवाज सस्टेन हो रही है सर। अभी आवाज है? हाँ आ रही है सर। तो साथियों, मैं पैथोजन एक शब्द का प्रयोग किया है, ये पहली बार पैथोजन कर रहा हूं, और ये शब्द मुझे अमेरिका के एक लेडीज रिसर्च स्कॉलर है, उसने कास्ट द लाइज दैट डिवाइड अस नाम की पुस्तक 2020 में प्रकाशित की है, और उसको बोला कि कास्ट अब केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गई। कास्ट इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गई है। ये तो और भयानक चीज हो गई। इसलिए हमने कास्ट को समझने में कम पड़े हैं, इस चीज को हमने माना और अपने आप को फिर से कास्ट को जानने समझने की कोशिश की, और नए ढंग से कास्ट को जितने भी 20वीं शताब्दी में प्रश्न पैदा हुए थे हमने उनको सबको परखा और नए ढंग से उन प्रश्नों को ढूंढने की और उत्तर ढूंढने की कोशिश की। आपको नाहर सिंह जी के पहले लेक्चर से आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा, हम समझने में कम पड़े क्योंकि हम विचार करने में कम, और विचार करने में कम पड़ना ये हमारे लिए एक नई रिसर्च थी 21वीं शताब्दी की, जो महानायक कांशीराम जी के समय में सिद्ध हो गई थी, और वो सहमत भी होकर गए थे कि हाँ अम्बेडकर तुम इस पर काम कर सकते हो, और हमने उस पर काम किया, और आज हम अपने समाज को फुल डे का थिंकिंग स्किल, कैसे सोचना चाहिए, सोचने के टूल्स टेक्निक और मेथड क्या क्या होते हैं, इस चीज को हम लेकर आए। तीसरी बात, हमारा मूवमेंट तो प्रबोधन का मूवमेंट है, शिक्षा एजुकेट विद्या बिना मति गली बाबा साहब, एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज। तो ये एजुकेट क्या है? तो पहला तो हमको यही समझना होगा कि बाबा साहब के या फुले साहब अंबेडकर मिशन की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन विजन क्या है, एजुकेशन की पॉलिसी प्रोग्राम प्लान क्या होना चाहिए, इस पर हमने गौर किया, और हमें बाबा साहब के चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डिबे से इस प्रश्न का उत्तर मिला, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं। वर्ल्ड का एजुकेशनल फिलोसफर प्रोफेसर जॉन डिबे, बीएड एमएड की शिक्षण बिना जॉन डिबे के दर्शन शास्त्र से, शैक्षणिक दर्शन से कंप्लीट नहीं होती, बिना उसके कंप्लीट नहीं होती। तीसरी बात, हमने इस मूवमेंट में थिंकिंग स्किल को जोड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आने वाले समय में आप लोगों को थिंकिंग स्किल इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको 365 दिन सिखाया जाए तो भी कम है। हमारे अंदर की जो जड़ मूल से सारी बीमारियां हैं, इसका इलाज करने का सबसे बड़ा टॉनिक, सबसे बड़ा इंजेक्शन वो थिंकिंग स्किल है। इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज एक और मिली, बाबा साहब को समझने में कहां कम पड़े। बाबा साहब अक्टूबर 1951 तक नेहरू कैबिनेट में थे, और 15 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के बाद 15 मार्च 1950 को ही जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन का गठन किया था खुद के चेयरमैनशिप में, जबकि बाबा साहब चाहते थे कि मेरे को प्लानिंग कमीशन ये मिनिस्ट्री मेरे को दी जाए, नहीं दी उसने। लेकिन 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक एक 5 साल का प्लान बनाने का उनको काम दिया, और ये प्लानिंग कमीशन ने बाबा साहब के कैबिनेट में रहते हुए काम किया। इसलिए हमने माना कि बाबा साहब जिस कैबिनेट में होंगे वहां डिसीजन मेकिंग, जहां भी अगर प्लानिंग की होगी तो बाबा साहब का प्रभाव अवश्य रहा होगा। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को पढ़ा तो हमको स्टेट एंड माइनॉरिटीज की याद आ गई, जो बाबा साहब ने
15 मार्च 1947 को, 15 मार्च 1947 को संविधान सभा में जितने भी लोग चुनकर आए हुए थे सबको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सप्लाई किया शुल्का स्टडीज की तरफ से, और उसमें एक सबसे बड़े प्रिंसिपल की बात की थी इस देश की बीमारी की, एग्रीकल्चर सेक्टर में 95% लोग पहले एग्रीकल्चर थे। उस बात को ध्यान में रख के बाबा साहब ने कॉपरेशन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा तो उसके 10 चैप्टर पहले के पहले केवल सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने में खर्च हुए। कॉपरेशन है क्या, कॉपरेशन की हिस्ट्री क्या है, कॉपरेशन कहते किसे हैं, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट समुदायों में, किस प्रकार से, इस पर ही गए कि किस प्रकार से देश का फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। बिना कॉपरेशन के इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, कॉपरेशन की फिलॉसफी के आधार पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना। इससे हमने देखा कि ये तो नेहरू की फिलॉसफी नहीं हो सकती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फिलॉसफी नहीं हो सकती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फिलॉसफी नहीं हो सकती। इस फिलॉसफी को प्रभावित करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही होंगे, और हमने जब देखा तो हमें बाबा साहब साक्षात नजर आए। इसलिए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में चौथा सब्जेक्ट कॉपरेशन को इंक्लूड किया, और एक नया प्रिंसिपल हमने लोगों के सामने दिया कि कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। लेकिन बाबा साहब तो और कांशीराम जी हमें स्वप्न तो कुछ और भी देखे गए। बाबा साहब ने कहा मेरे मैं भारत बौद्ध मैं करीन मेरे पूर्व भारत निर्माण करूंगा, मैं पूर्व भारत का स्वप्न दिया हुआ पूर्व भारत। और कांशीराम जी जाते जाते बोले कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। पूर्व भारत और सम्राट अशोक का भारत दोनों एक ही सब टर्मोलॉजी है, पर लेकिन एक ही चीज। तो हमें इस भारत को बना पूर्व भारत को देखना है अशोक के भारत को, तो हमको देखना होगा अशोक है क्या, अशोक ने किस प्रकार से नए भारत का नए राष्ट्र का निर्माण किया, और आज से तिगना भारत था, आज की अपेक्षा तिगना, ईरान इराक तक उसकी सीमाएं फैली हुई थी, इसे ब्रह्मदेश तक थी, इतना बड़ा विशाल भारत का जब हमने देखा कि कलिंग युद्ध के बाद तो उसने एक प्रतिज्ञा कर लिखी कि मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूं, और हमने देखा कि उसने एक और दूसरी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं विषमता और विमनस्ता की नीति का भी त्याग करता हूं। तब कहीं हमें तीसरी प्रतिज्ञा की पहचान हुई कि मैं अपने भर जीवन की मैं प्रयत्नों की पराकाष्ठा करते जीवन में प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके कल्याणकारी और समृद्ध राष्ट्र की स्थापना करूंगा। ये प्रतिज्ञाएं, क्योंकि बिना कठोर संकल्प के कोई भी व्यक्ति महापुरुष नहीं बन सकता। सम्राट अशोक हम नाम बोलते हैं, ये महान अशोक केवल एक राजा नहीं था, एम्पायर नहीं था, एम्परर नहीं था, ये बहुत बड़ा फिलोसफर था, कार्ल मार्क्स से भी ज्यादा बड़ा विचारक था, आइडियोलॉग था, सिद्धांतक सिद्धांतवेत्ता था। विदेश के सारे इतिहासकारों ने अशोक को हर कैटेगरी से रखा, विचारधारा को प्रतिपादित करना पर उसे इंप्लीमेंट करना और भी ज्यादा बड़ा व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसकी बाल की खाल को जाना। बुद्धा ने विचार दिया था, प्रैक्टिकल किया था, लेकिन उसको जमीन पर उतारने वाला ये महापुरुष राजा अशोक था। विश्व के तमाम क्षेत्रों में इतना इसकी इमेज बनी कि विदेश के लोग भारत में शिक्षण के लिए आते थे और गौरव महसूस करते थे, व्यापार में हमारा देश समृद्ध था, भुखमरी के नाम की चीज नहीं थी, संपन्नता थी, ऐश्वर्य था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और उसमें हमने देखा कि उसने एक नया शब्द का प्रयोग किया जिसका इतिहासकारों ने इंटरप्रेट नहीं किया, वो था समवाय। समवाय शब्द जो बाबा साहब ने अपने एनिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया में सोशल एंडोसमोसिस शब्द प्रयोग किया। अशोक ने बोला समवाय साधु है, यानी समवाय कल्याणकारी है,
जो कल्याणकारी होगा उसे वो कितनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। यानी अशोक की फिलोसफी का आधार कॉपरेशन था। समवाय मीन्स कॉपरेशन, सोशल एंडोस्मोसिस। साथियों, इस कॉपरेशन को देखकर अशोक ने अपने राज्य में और क्या किया, उसने सोच विचार करने वाली विद्या जो आज हमें विदेश से लेकर आना पड़ी, ये भारत की विद्या थी जो मनुवादियों ने हमसे छिपा के रखी। केवल ब्राह्मणों को सिखाई जाती थी, जो भी वेद पढ़ने के अधिकारी होंगे उन्हीं ब्राह्मणों को ये विद्या सिखाई जाती थी, जिसका नाम अनविक्ष। इसलिए अनविक्ष की और कॉपरेशन और शैक्षणिक दर्शन के आधार पर सम्राट अशोक कल्याणकारी और समृद्ध राष्ट्र की स्थापना कर सके। इसलिए हमने पांचवा सब्जेक्ट, उसने व्यक्ति का रिकंस्ट्रक्शन किया और समाज का रिकंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि चार वर्णों की संस्कृति से जकड़ा हुआ समाज का एक एक व्यक्ति के अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब कोई नया समाज निर्माण हो पाएगा। अशोक ने व्यक्ति के अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन किया और समाज को नए ढंग से समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के सिद्धांतों पर एक नया समाज का रचना की। He created the new society based on equality, liberty, fraternity and justice. He creation करने वाला केवल राजा नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा तत्ववेता होगा, सिद्धांतों का जानकार होगा, दार्शनिक होगा, आइडियोलॉग होगा, फिलोसफर होगा। अशोक को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा गया हमें 21वीं शताब्दी में। इसलिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण नारा लगा कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। इस देश में रामराज्य श्रेष्ठ है कि महान अशोक का राज श्रेष्ठ है, इस लड़ाई को लेकर आपको तैयार होना है और लोगों के बीच में जाना है। आप लोगों का ट्रेनिंग का जो सेंट्रल पॉइंट है कि आपको कास्ट समझना है, एजुकेशन फिलोसफी समझना है, थिंकिंग स्किल को भी समझना है, कॉपरेशन को समझना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी करते हुए जो निर्माण करना है, महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा और कल्याणकारी राज की स्थापना होगी। इस स्वप्न को, इस मिशन को, इस विजन के साथ इस मिशन को लेकर चलने का काम हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जनवरी 2012 में रिटायर हुआ। यहाँ पर 5000 जलगांव में 5000 स्क्वायर फीट पर मैंने अपना पेंशन ग्रेजुएटी को जितना था लगा के एक स्कूल ऑफ थिंकिंग बांधा, जिसका नाम हमने महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग रखा है। यहाँ पर मैं अभ्यास करता रहा और यहीं से पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को हमने रिवाइव किया है, रिबर्थ दिया है, जिसे हम रिबर्थ किया, रिवाइव किया। आप लोगों को देखेंगे कि ये बम शेप से भी ज्यादा सघन और संपन्न प्रश्नों के उत्तर लेकर आया है। पॉसिबिलिटी आपको हर क्षेत्र में आपको पॉसिबिलिटी नजर आएगी, और जिस मोमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं होती है, नहीं दिखाई जा सकती है, जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया को बल नहीं मिल सकता। इसलिए हमने नई पॉसिबिलिटी, नए इनोवेशन, नए क्रिएशन, तीन वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी, इनोवेशन एंड क्रिएशन, ए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के झलकते शब्द हैं, विचार है। हर पल आपको ये झलक, आप दूसरों को भी झलकाएंगे कि भाई यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ क्रिएशन है, यहाँ नया समाज का निर्माण है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी, रीअरेंजमेंट नहीं अकेला कि कोई ऊपर नीचे कर दिया जाए, रिकंस्ट्रक्शन और रीस्ट्रक्चरिंग। इसके लिए आप लोगों को तैयार होना है, संकल्पबद्ध होना है, और आप लोग जो भी आज हमारे बेस्ट ट्रेनर में से एक ट्रेनर हैं, धीमंत नाहर सिंह जी, आप लोगों को उनका एक एक शब्द को ध्यान रखिएगा। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, एक एक शब्द को ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे कि हमारे साथी कितने ज्यादा उनको ग्रास्प कर पाते, और ग्रास्प करके आप खुद एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने वाले बने
आपके सामने एक पूरा चित्र सामने स्पष्ट हो जाएगा शाम तक कि आप इस 6 घंटे के अंदर दिन भर में आप क्या क्या लोगों को समझा सकोगे, उस आधार पर आपको ग्रस्त करना। जैसे कि क्लास में बताया कि एमए के विद्यार्थी का है, लास्ट दिन का वीक चल रहा है, प्रोफेसर बहुत सार गर्भित बातें करके मतलब अलग अलग सब्जेक्टों को ब्रीफ करता है और कहता है कि अब जाओ अपना पेपर लिखकर आओ। इस प्रकार की प्रक्रिया से आपको आज गुजरना है। अपने आप को फुल अटेंशन, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, आपको इस पर मेडिटेट करना है। आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन दिस ट्रेनिंग कैंप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के आज के प्रशिक्षण शिविर के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। आप दिल्ली और मध्य प्रदेश में इस मूवमेंट को काफी तेजी से लेके जाओगे, बहुत कामयाब होगे, क्योंकि ये दोनों ही प्रदेश अलग अलग क्षेत्र में, एक पर मनुवादियों का कब्जा है तो दूसरा डुप्लीकेट मनुवादी आम पार्टी का है, दूसरे इधर बीजेपी का कब्जा अलग अलग प्रदेश के हैं, यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, ये पॉलिटिकल एलिमेंट अलग। इसमें हम नॉन पॉलिटिकली अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इस बात की परीक्षा आने वाला भविष्य आप लोगों को बताएगा। मैं यहीं पर आप लोगों को विराम करना चाहूंगा और आप लोगों के इस कार्यक्रम का एक दिन का ट्रेनिंग कैंप के सफल आयोजन की शुभकामनाएं करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। ओवर टू नारसिंह।